हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आ गया हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो ये वाला वीडियो कते ही जहर होने वाली है, क्योंकि मैं आपको दिलाने वाला हूँ वेपन मास्टर। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको मैं दिलाने वाला हूँ वेपन मास्टर, और पहले ही मैच में आपको वेपन मास्टर कम्प्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि ये अभी बताएगा वेपन मास्टर कैसे कम्प्लीट करना है। तो ऐसा पुराना तरीका कि आप डुओ वर्सेस को लगाओ और मैप के एंड पर उतरो, फिर वहाँ पर बोट आएंगे, उनको मारना, जो ऑफलाइन बंदे हैं उनको किल करना है। तो वो वाला ट्रिक पुराना हो चुका है, मैं ऐसा कोई भी ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ। ये बिल्कुल न्यू फ्रेश ट्रिक है, अभी तक पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी ये ट्रिक नहीं बताया गया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक ही बार में आपका वेपन मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि बार में कंप्लीट हो जाएगा आपका वेपन मास्टर। तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत नहीं करना है, बस 8 या 10 मिनट का वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका मतलब वेपन मास्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट पर जो चाहे बता सकते हो। अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यस हैशटैग यस ज़रूर लिखना। तो अभी चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। तो दोस्तों, मेन पॉइंट आपको करना ये है कि आपको 4 फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पबजी पर तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन पबजी पर कोई फ्रेंड्स आपको ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके साथ खेलते हैं या जो आपके घर के बगल में रहते हैं, उन्हीं को 4 फ्रेंड्स को आपको बुलाना होगा। ठीक है, तो उन्हीं 4 फ्रेंड्स को आपको बुला के बोलना होगा कि तुम लोग जो 4 फ्रेंड्स आए हो वो उन लोग एक स्क्वाड में इंटर हो जाइए। ठीक है, आपको उन लोगों को बोलना है कि एक ही मैच में मतलब एक ही स्क्वाड में आपको इंटर हो जाना है। जो वेपन मास्टर कंप्लीट करेगा उसको करना ये है कि वो स्क्वाड लगाएगा, फिर ऑटो मैचिंग को ऑफ कर देगा। ठीक है, ऑटो मैचिंग को ऑफ कर देगा, इसके बाद वीकेंडी मैप को लगाएगा। ये वीकेंडी मैप में ही ट्रिक वर्क कर रही है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना है, सिर्फ वीकेंडी मैप में ही वर्क कर रही है। तो आपको फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल को इस तरह से रखना है, फिर एक ही साथ आपको स्टार्ट बटन दबाना है दोनों मोबाइल से। जो आपके फ्रेंड जो एक ही स्क्वाड में है और जो आपने स्क्वाड वर्सेस वन मतलब ऑटो मैचिंग ऑफ किया है, वही एक साथ आपको इसको मतलब मैच को ओपन करना है। तभी क्या होगा, एक ही साथ आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक ही लॉबी में आप जो 4 फ्रेंड आपके साथ खेलते हैं वही सब आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलती कर ली कि हमने स्क्वाड में ऑटो मैचिंग ऑफ करना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, हमने कर दिया। लेकिन आपने ऐसा भूल मत करना, क्योंकि ऑटो मैचिंग को ऑफ कर देना, फिर एक बार चेक कर लेना कि आपने आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आए हैं या नहीं। तो आपका एक बार चेक कर लेना, यदि नहीं आते हैं तो फिर से एक बार ट्राई करना, आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर चुका हूँ, मेरे फ्रेंड्स सब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर उतर चुके हैं, आगे उतर चुके हैं। तो मेरे सारे फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं, तो मैं अभी जाऊंगा उनको किल करूंगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आप सभी मतलब जो पहले अपने फ्रेंड्स को मत मानना, क्योंकि शायद ही बोट कम आए, तो लेकिन पहले 2 बोट को पहले किल कर लेना वेपन से, इसके बाद आपको 4 फ्रेंड्स को किल कर लेना है। ठीक है, तो फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे अभी तक गन नहीं मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब मेरा दोस्त जो है अभी उसका ऑफलाइन हो गया, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं पहले इसको मारूंगा, तो मैं पहले अपने साथी को बोलता हूँ कि वो गन लेके आए, तो मैं चल देखता हूँ, अगर मुझे कोई गन मिलता है तो उस समय पहले इसको किल कर लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसका मोबाइल। तो पहले मैं देखता हूँ गन मिलता है या नहीं। तो मेरे दोस्त को एक गन मिल गया है, आप देख सकते हैं ये गन लेकर आ चुका है, तो मुझे अभी गन देगा, तो मैं यूजी से अभी इसको मारूंगा, तो मेरा एसएमजी का मिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं उसको जाके एसएमजी से किल कर लेता हूँ, इसके बाद में हमने बोट को किल करना है। तो बोट को हम देखेंगे कि कहाँ पर आते हैं, तो पहले मैं इसको किल कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर इसको SMG से मेरा एक मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मेरा एक दोस्त बोला कि यहाँ पर एक बोट आ चुका है, तो मैंने अभी एक स्नाइपर ले चुका हूँ, तो स्नाइपर से अभी इस बोट को मैं ख़त्म करूँगा, तो मेरा स्नाइपर का मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसी स्नाइपर से अभी
ख़त्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी स्नाइपर से उसे ख़त्म कर चुका हूँ। तो इसके बाद एक और बोट आया है, अभी खबर आई कि एक और बोट आया है, तो मैं उसे शॉटगन से मारूंगा। तो मेरे पास तो अभी शॉटगन नहीं है, लेकिन उसके मेरे दोस्त के पास शॉटगन है, तो उसके पास मैं अभी शॉटगन लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बोट, तो मैं इसके ख़त्म करूँगा, पहले मैं उससे शॉटगन ले लूँ। तो शॉटगन अभी ले रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मैं अभी शॉटगन लेके वाला अभी मतलब कि बोट को अभी ख़त्म करूँगा, तो मेरा शॉटगन का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉटगन का भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा अभी बाकी है तीन, तीन कंप्लीट हो चुके हैं और तीन बाकी है। शॉटगन हो चुका है और स्नाइपर हो चुका है और SMG हो चुका है। तो अभी मेरा बाकी है गाड़ी से और ग्रेनाइट्स और एयर गन से। तो अभी मैं इससे अभी बैरल लूँगा और फिर उसको अभी बैरल से मारूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा ईयर का भी अभी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अभी बोल रहा है कि पहले तू मुझे गाड़ी से कुचल दे, इसके बाद ईयर से तू मारना। तो फिर चलिए मैं पहले अभी गाड़ी से इसे कुचल देता हूँ। तो ये रहा गाड़ी से, अभी मैं इसको मिस्ट्री ख़त्म कर देता हूँ। तो गाड़ी से मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद मेरा सिर्फ ईयर का ही बाकी है। तो दोस्तों मैं अभी ईयर से अभी उसको एक और बंद, अभी दो मेरे दोस्त हैं, तो ईयर का बाकी है और एक ग्रेनाइट्स का। तो मैं अभी ईयर से अभी ख़त्म करूंगा एक बंदे को, फिर ग्रेनाइट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ग्रेनाइट अभी नहीं मिला है मुझे। तो दोस्तों ये रहा ईयर से अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरा 5 मिशन कम्प्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद बस मेरा एक ही बाकी रहेगा और वो है ग्रेनाइट्स। तो अभी ग्रेनाइट्स तो हमें नहीं मिला, तो अभी ढूंढते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें ग्रेनेड्स मिल चुका है यहाँ पर, तो ग्रेनेड्स तो नहीं मिला लेकिन कॉप्टर मिल चुका है, तो इसी से हम काम चलाएंगे। तो ये रहा, मैं अभी इसको मार देता हूँ तो ये बंदा भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे वेपन से मैंने किल कर चुके हैं। अभी देखना बाकी है कि हमारा वेपन मास्टर कंप्लीट हुआ या नहीं। तो ये बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आप वेपन मतलब कि सारे किल कर चुके हो तो भूल के भी एग्जिट का बटन मत दबाना, क्योंकि आप जोन से मर जाए या फिर सुसाइड कर लीजिए, तभी आपका वेपन मास्टर कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए बंदा अभी मार चुका है, तो मैं अभी देखता हूँ कि मेरा वेपन मास्टर कंप्लीट हुआ या नहीं, तो वेट करते हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिक्स है, आप बिल्कुल यूज कीजिए। तो अभी देखते हैं क्या हुआ वेपन मास्टर। आप देख सकते हैं मेरा वेपन मास्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। ऐसा ट्रिक्स आपको अभी तक पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी वेपन मास्टर कंप्लीट करा दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और दोस्तों जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर के पास है वीडियो जाए और वो वीडियो उन लोग बनाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को अब वेपन मास्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेरा अभी चैनल ग्रो नहीं हुआ है, तो काफ़ी बंदे को नहीं पता होगा, क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर के पास जाएगा तो ये ट्रिक्स उन लोग यदि यूज करके अपने चैनल पर दिखाएंगे तो बहुत सारे बंदे का ओपन मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि सारे के सारे ओपन मास्टर कंप्लीट कर लें। और दोस्तों अगर कुछ बड़े यूट्यूबर मेरा ये वीडियो देखकर अपने चैनल पर लाएं, तो प्लीज़ बस एक बार मेरे चैनल का नाम ले लेना, बस और कुछ नहीं करना है, बस अपना चैनल का नाम ले लेना है, बस अप्पू गेमिंग को बस क्रेडिट थोड़ा दे देना, बस आपको बस कुछ नहीं। तो फिर दोस्तों चलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।